हेलो एवरी वन आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल सो येस बहुत सारे मन में क्वेश्चन रहते हैं रिगार्डिंग द पी वाई क्यूज कि पी वाई क्यूज़ कब हमें स्टार्ट करने हैं क्या ये इम्पोर्टेंट है क्या ये श्योर है, है कि इसी के रिलेटेड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो येस ओवरऑल द आंसर क्या है येस yes, कि जो पी वाई क्यूज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखो फर्स्ट बेनिफिट क्या है पी वाई क्यू से आपके यू नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आपको एक बेस पता चलता है कि, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको हर तरह के जो टॉपिक्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं वो सारे हमें पी वाई क्यू से हिंट मिल जाता है राइट देट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि हमने अगर पिछले लास्ट फाइव ईयर्स अगर मैं ट्रेंड की बात करती हूँ सो मोस्टली कंसेप्ट वो होते हैं मैं ये नहीं कहती कि 50% परसेंट एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे नहीं हाँ टू और थ्री क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम में एज इट इज दिखाई देते हैं कि समटाइम टू थाउजेंड का एज इट इज क्वेश्चन आपको 2022 में मिलेगा एंड इसी के साथ कुछ उसके कंसेप्ट्स आपको अलग वो मिल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आया है राइट राइट टीचिंग के मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है मे बी वो जो क्वेश्चन बनाया गया है वो हीरोस्टिक मेथड के बेस पे बनाया गया होगा पर उसके जो फर्दर ए बी एंड डी ऑप्शंस होंगी उन ऑप्शंस के बेस पे एक अनेक और क्वेश्चन बना देते हैं वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम आ, हमें वो 2022 या ट्वेंटी में पूछ लेते होंगे ठीक है जी सो so, इसी तरह ये क्वेश्चंस उनके ऑप्शन से ही बनाए जाते हैं हमें जो पी वाई क्यूज हैं उनको सिर्फ इतना नहीं करना कि ये ये क्वेश्चन था इसका आंसर ये है हमें आता है बल्कि उनके ऑप्शन को अच्छे से एनालिस करो कि अगर ए ऑप्शन हमने टिक करनी है तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा अगर हमने इसके लिए बी ऑप्शन टिक करनी है इसका ऑप्शन इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो मतलब आपका 90% परसेंट सिलेबस जो कवर हो रहा है थ्रू पी वाई क्यूज़ ही हो जाएगा सो so, पी वाई क्यूज़ को हम क्या करते हैं अभी हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं करा होता हम साइड बाय साइड पी वाई क्यूज़ को स्टार्ट कर देते हैं सो so, ये yes, आपके पास टू ऑप्शन हैं आप या तो साथ स्टार्ट करते रहिए देखिए हमने क्या है बी कॉम एम कॉम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक है ना करी होती हैं कुछ कुछ टॉपिक्स नोन होते हैं बस हमें वो रिवाइज नहीं करे होते या हमें वो आता नहीं होता सो so, कोई बात नहीं पी वाई क्यूज़ डेली बेसिस पे शुरू कर लीजिए एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चन आपने करने हैं थर्टी क्वेश्चन के लिए वन आर आपको उसको एनालिसिस में लगाना है कि ये क्या था ओके okay? सो so, इस बेस पे आप अपने पी वाई क्यूज को सॉल्व करो जब आपके 2014 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आफ्टर डेथ आप क्या करें इसी को दोबारा से सर्कल रिपीट करिए एंड चेक करिए कि जो पहले मेरे पी वाई रॉन्ग हो रहे थे क्या वो इस बार भी आपके रॉन्ग हो रहे हैं राइट सो ये आपके एक बैलेंसिंग वो चीज़ बन जाएगी सो मेक श्योर कि पी वाई क्यूज़ को कभी भी करना मत भूलना भले आप थ्रेटिकल पार्ट को मिस कर देना बट पी वाई क्यूज को कभी मिस करना आज से शुरू कर लीजिए कि डेली थर्टी थर्टी क्वेश्चन करने हैं धीरे धीरे करके फोर्टी क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका कि आप हंड्रेड क्वेश्चन पी वाई क्यू सॉल्व करने लग जाएंगे एक ही दिन में इससे आपका क्या हो जाएगा एक स्पीड भी बनेगी कॉन्फिडेंट भी बूस्टअप होगा प्रैक्टिस भी होगी एंड साथ साथ आप अपने आप को बेटर एनालिसिस कर सकते हैं है ना सो डोंट फोकेट टू